नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मौजूदा दौर में टीम इंडिया तीनों ही फॉर्मेट में दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक मानी जाती है। सौरव गांगुली के बाद धोनी और अब कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। गांगुली ने जो टीम बनाई उसका फायदा धोनी को हुआ और धोनी ने जो टीम बनाई उसका फायदा आज कोहली को हो रहा है। टीम बनाते समय कप्तान कई खिलाड़ियों को मौका देता है और इस दौरान कई खिलाड़ी इसका फायदा उठाकर टीम में जगह बना लेते हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते। इसमें ये कतई नहीं है कि उस खिलाड़ी में प्रतिभा नहीं थी। हमारे यहाँ जहाँ कई क्रिकेटरों को सालों तक मौके मिलते रहते हैं, वहीं कुछ खिलाड़ियों को चंद मौकों के बाद ही बाहर निकाल दिया जाता है और वो दोबारा कभी भी टीम में जगह नहीं बना पाते। आज हम एक ऐसे ही क्रिकेटर की बात करेंगे जिसे सिर्फ 3 मैचों में मौका मिला और फिर टीम से बाहर कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं गुरकीरत सिंह मान की। गुरकीरत सिंह मान का जन्म पंजाब के मुक्तसर में 29 जून 1990 को हुआ था। 9 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पंजाब क्रिकेट में उन्होंने अपना नाम बनाया और फिर अंडर 19 और अंडर 22 भी खेला। गुरकीरत सिंह मान ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू हैदराबाद के खिलाफ 2012 में ही किया था। विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार खेल की वजह से उन्हें उसी साल किंग्स इलेवन पंजाब से आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अपने दूसरे ही आईपीएल मैच में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 12 गेंदों पर 29 रनों की धुआंधार पारी खेलकर टीम को अंतिम गेंद पर जीत दिलाकर रातों रात वो स्टार बन गए थे। गुरकीरत ना सिर्फ निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे बल्कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लेते थे। गुरकीरत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका फील्डिंग था। मैदान के किसी भी कोने पर वो कमाल की फील्डिंग करते थे। 2013 आईपीएल सीजन के दौरान रॉस टेलर का लपका हुआ कैच कैच ऑफ द टूर्नामेंट माना गया था। हालांकि टीम में वो अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट में गुरकीरत लगातार रन बना रहे थे और अपनी ऑफ स्पिन से विकेट भी निकाल रहे थे। 2015-16 के रणजी सीजन में तो कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया था। रेलवे के खिलाफ शानदार दोहरा शतक ठोका था और आंध्र प्रदेश के खिलाफ एक मैच में 9 विकेट भी निकाले थे। रणजी में अच्छे प्रदर्शन के नाम जल्द ही मिला और 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में उन्हें टीम में मौका मिला। हालांकि वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए। इसके बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना था। गुरकीरत को वनडे टीम में मौका मिला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में गुरकीरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज में 3 मैच उन्होंने खेले और सिर्फ 13 रन ही बना पाए। उन्हें इसके बाद दोबारा टीम इंडिया में मौका नहीं मिला है और अब उम्मीद भी बेहद कम है। गुरकीरत फिलहाल आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में है और उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 56 मैचों में 3355 रन बनाए हैं और 53 विकेट भी हासिल किए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।